हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं और डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको ब्लूटूथ का आइकन मिसिंग है, आपका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उसको कैसे लेके आना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा विंडोज 7 है और यहाँ पर हमारा जो डिवाइस मैनेजर के अंदर हमारा जो ब्लूटूथ का आइकन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है। तो उसको आपको लेके आने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर सेटिंग्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूटॉप या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वीडियो ये विंडोज़ को बंद कर देंगे। यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर सेंटर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर ये यह ऑप्शन ऐसे दिखने लग जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक करोगे कि जो आपका ब्लूटूथ का जो ड्राइवर था, यहाँ पर उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, जो आपका ब्लूटूथ का जो ड्राइवर था, यहाँ पर आपको वो इंस्टॉल करना है डिवाइस मैनेजर यहाँ पर, ठीक है, तभी आपका डिवाइस मैनेजर के अंदर आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आपको ब्लूटूथ का जो ड्राइवर था वो आपको डाउनलोड करना है साइट से और यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आपका यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो हम लोग आगे चलकर इस वीडियो में बताऊँगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको विंडो को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड मेथड ये रहेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन के ऊपर, राइट क्लिक करोगे माय जो कंप्यूटर है, राइट क्लिक करना है आपको और मैनेज बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो अभी मिसिंग है, यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ का आइकन है अभी शो नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत सारी वीडियोज में ऐसा दिखाया गया होगा कि आप यहाँ पर एक्शन बटन पर आपको क्लिक करना है और ऐड लेगेसी आपको यहाँ पर करना है। तो सम टाइम ये वर्क करता है बट सम टाइम ये वर्क नहीं करता है, तो हम लोग इसका वर्क इसको कैंसिल कर देंगे। और आपको एक बार ये चेक करना है कि आप अगर यहाँ पर आपका आइकन मिसिंग है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप का जो अगर ड्राइवर मिसिंग था, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये नीचे हो गया है। तो यहाँ पर आपका ब्लूटूथ का जो आइकन था वो भी वापस आ चुका है, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर स्कैन करोगे हार्डवेयर को तो यहाँ पर आपका वापस से री इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ड्राइवर डाउनलोड करना है आपके लैपटॉप का। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पर डेल लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस लैपटॉप का ड्राइवर निकालूंगा। आपको आपका लैपटॉप का सीरियल नंबर पता होना चाहिए कि आपका लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, या फिर आप अपना लैपटॉप का मॉडल नंबर से भी आप अपने ड्राइवर निकाल सकते हो आपके लैपटॉप के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ms info 32, यहाँ पर ओके कर दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर है, सिस्टम मॉडल नंबर है, ये है, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप का यहाँ पर मॉडल नंबर नहीं मिल रहा है तो आपके लैपटॉप का आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए, तब आप यहाँ पर निकाल पाओगे आपका लैपटॉप के ड्राइवर। आपको अगर जानना है कि सीरियल नंबर कैसे निकालना है आपके लैपटॉप का, ऑलरेडी इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप मेरी वीडियोज के अंदर जाके देख लीजिए, आपको यहाँ पर वो निकालना सीरियल नंबर निकालना कैसे है वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है, कोई भी एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है आपके लैपटॉप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है डेल लैपटॉप। अगर आप डेल लैपटॉप के ड्राइवर निकाल रहे हो तो आप डेल लिखोगे, अगर आप किसी और लैपटॉप के ड्राइवर निकाल रहे हो तो आपको उसका जस्ट नाम लिखना है। जैसे अगर लिनोवो लैपटॉप के ड्राइवर निकाल रहे हो तो लिनोवो लिखना है आपको, अगर कोई अदर लैपटॉप के ड्राइवर्स निकाल रहे हो तो आपको जस्ट सेम स्टेप फॉलो करने हैं बस,
डेल लैपटॉप ड्राइवर्स, तो आपको यहाँ पर सेम एज इट इज यहाँ पर टाइप करना है डेल लैपटॉप ड्राइवर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेल लैपटॉप ड्राइवर्स सर्च किए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपके ड्राइवर्स थे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नंबर या फिर आपका जो मॉडल नंबर यहाँ से पूछ रहा है, जैसे हमारा लैपटॉप का मॉडल नंबर ये था, यहाँ पर हमारे लैपटॉप का जो मॉडल नंबर ये था, हम लोग इसका यूज करेंगे, या फिर मेरे पास सीरियल नंबर है मैं यहाँ पर डाल दूंगा तो यहाँ पर वो फाइंड कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो मेरा यहाँ पर जैसे मेरा मॉडल नंबर है लैपटॉप का, ये मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ तो यहाँ पर वो अपने आप ही जो मेरे लैपटॉप के ड्राइवर यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ड्राइवर एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। एक बार यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैनुअली फाइंड ए स्पेसिफिक ड्राइवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड ड्राइवर पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपके जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो आपका मॉडल नंबर था यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर सारे ड्राइवर आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर डेट देखना है कि जो नया डेट का ड्राइवर था, यहाँ पर सॉर्ट कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये नया डेट का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2020 का है तो यहाँ पर हम लोग जो ब्लूटूथ का जो ड्राइवर था यहाँ पर उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर ये सिलेक्ट किया आपने और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको राइट साइड में, यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पेनड्राइव में लेके दूसरे जो हमारा सिस्टम जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर ले जाकर उसको बस इंस्टॉल करना है आपको। तो हम लोग ये अभी कॉपी करेंगे इस ड्राइवर को और दूसरे लैपटॉप पर लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था डेल लैपटॉप के अंदर, यहाँ पर हम लोगों ने उसको ड्राइवर को कॉपी कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ब्लूटूथ का जो ड्राइवर था यहाँ पर उसको इंस्टॉल करना है। आपको राइट क्लिक करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपको जो ड्राइवर था आपका यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर आपको क्लिक करना है, आपका यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको। और आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर यहाँ पर अगर ड्राइवर मिसिंग है तो उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ पर कैसे आपको लेके आना है, ये आप समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।